नायब तहसीलदार आशीष कुमार पटेल के द्वारा जारी कोविड 19 का पालन नहीं करने, सार्वजनिक स्थान वाहन चालकों द्वारा बिना मास्क के बाहर घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। जिला कलेक्टर के निर्देश पर कोविड 19 महामारी को लेकर नगरीय निकायों में राजस्व पुलिस नगर पालिका की टीम बनाई गई है। संयुक्त टीम ने थाना के सामने मास्क नहीं पहने हुए लोगों पर कार्रवाई की। जानकारी अनुसार मार्च 20, 2020 से जुलाई 20 तक बिना मास्क के बाहर निकलने, सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले लोगों से 3,32,006 रुपये का जुर्माना वसूला गया। राज्य शासन द्वारा पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए समय समय पर लॉकडाउन किया जाता है। आवश्यक सामग्रियों के लिए कुछ दुकानों को निर्धारित समय तक खोलने की छूट दी गई है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया, कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए शारीरिक दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। नायब तहसीलदार आशीष कुमार पटेल ने बताया कि शारीरिक दूरी और मास्क नहीं लगाने की लापरवाही देखी जा रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने निकायों में कठोरता से कोविड 19 का पालन सुनिश्चित करने की सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके तहत टीम गठित कर प्रत्येक लोगों से मास्क लगाने की अपील करते हुए लाखों रुपए की वसूली की गई है। टीम में पुलिस विभाग, नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर से राम नारायण गौतम की रिपोर्ट। सर के निर्देशानुसार और कलेक्टर साहब के आदेशानुसार और SDM मैम के निर्देशानुसार यहाँ पे प्रतिदिन मास्क और कोविड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चलानी कार्रवाई प्रत्येक दिन किसी भी समय किया जाता है और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अभी भी कोविड है और तीसरी वेव को आने से रोकने के लिए अभी से सतर्क नहीं रहेंगे तो तीसरी वेव और ख़तरनाक हो सकती है। इसी नाम से हर दिन प्रत्येक दिन चालानी कार्रवाई की जाती है।